एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए देखते हैं क्या इस क्वेश्चन में। देखिए, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। कहने का क्या मतलब हुआ, ये जो 4 सेंटीमीटर है वो क्या है, आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, और जो सर्कल है उसके सेंटर से वो पॉइंट दैट इज ए पॉइंट कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर। ये समझा आपने, चलिए फिगर से समझते हैं। देखिए, यहाँ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इस तरह से एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। इस सर्कल में यहाँ सेंटर, सेंटर का नाम दे दिया मैंने ओ। यहाँ आपको एक टेंजेंट बनाने बोला गया है, आप यहाँ आपने एक टेंजेंट बना लिया। ये टेंजेंट के इस पॉइंट का नाम हमने क्या दिया, ए। ये जो पॉइंट ए है वो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, देखिए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से हमने यहाँ पर यह डिस्टेंस को बना लिया कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टेंजेंट का लेंथ कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमने लिख लिया 4 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट हो गया। अगर हम इसके यहाँ से ज्वाइन कर दें सेंटर को इस कॉमन पॉइंट से, क्योंकि आपने पढ़ा है ना, इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये आपका हो गया टेंजेंट। तो ये आपको डिस्टेंस निकालना है, दैट इज आपको रेडियस यहाँ फाइंड आउट करना है। इसका नाम भी हम कुछ दे देते हैं, मान लीजिए मैंने इसका नाम दे दिया बी, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है, ओ बी, यानी हमें क्या निकालना है, रेडियस। ये आपने समझा, बस यहाँ एक हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे। क्या पढ़ा आपने, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो वो थ्योरम को यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए क्या लिख लेंगे, सबसे पहले कि सिंस द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यही हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। इस बेसिस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओ बी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर, ए बी पर, है ना। अगर ये परपेंडिकुलर होगा मतलब ये एंगल क्या हो गया हमारा, 90। तो एंगल क्या बताइए, ओ बी ए, ओ बी ए, ये क्या हो गया, 90 डिग्री। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं ना इन राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम जाते हैं इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में, और क्या अप्लाई करेंगे हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और यहाँ से हम इजीली ओ बी निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, यानी ओ बी क्या है, परपेंडिकुलर। तो ओ बी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से माइनस बेस स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या है हमारे पास, बताइए, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस दैट इज ए ओ का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर होगा ना, ठीक है। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। यहाँ से हम देखिए ओ बी इक्वल टू स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट हो जाएगा। ए ओ कितना हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ मैंने लिख लिया 5 का स्क्वायर। ए बी कितना हमारे पास, 4, तो यहाँ मैंने लिखा 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए और आराम से आप यहाँ ओ बी निकाल सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया ना 25, माइनस 4 का स्क्वायर 16, इसको मैंने माइनस किया तो कितना आया, 9, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, ओ बी निकाल लिया। जैसे हमें पता चल गया ओ बी निकल गया यानी रेडियस निकल गया ना, तो आप लिख सकते हैं ना कि रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया ना आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था और एक थ्योरम को आपको अप्लाई करना था। अगर आप इस थ्योरम को जानते हैं तो इसके बेसिस पर आप इजीली इस मैथ को सॉल्व कर सकते थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा।